नमस्कार, मैं सरिता पारेख, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता, आप सभी का गुरु केपीयू में स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में से लिया गया है और इसमें समाज की समस्याओं को उजागर किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि किसानों को खेती के लिए साधन नहीं मिल पा रहे हैं, भिखारियों को भीख नहीं मिल पा रही है, दक्षिणा नहीं मिल पा रही है, भेंट नहीं मिल पा रही है, और जो बनिए हैं उनका भी व्यापार नहीं चल पा रहा है, और जो चाकर हैं, जो नौकरी चाहने वाले हैं, उनको नौकरी, उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बसी, अर्थात जीविका से विहीन लोग दुख से ग्रस्त हो रहे हैं, शोक से ग्रस्त होकर एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदो पुराण कई लोको बिलोकियत। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद और पुराणों में भी कहा गया है तथा वर्तमान में भी ये देखा गया है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि जब ऐसा दुख का समय आता है तो भगवान राम ही आकर सब पर कृपा करते हैं। दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्र रूपी दसानन अर्थात रावण ने पूरी दुनिया को दबा दिया है, लोग उसके अत्याचारों से संतप्त हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और ऐसे समय में दीन बंधु ही उनका सहारा बनते हैं। दुरित दहन देखी तुलसीदास हाह करी। सभी लोगों को पाप कर्मों में लीन देकर तुलसीदास जी बहुत दुखी हो गए हैं और वो भगवान से ऐसे लोगों का उद्धार करने की कामना करते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तो इन सब समस्याओं के ऊपर तुलसीदास जी ने आक्षेप किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.com।